students, today we will discuss about types of chemical reaction. And in types of chemical reaction, first of all we will study the combination reaction. What is combination reaction? When two or more than two reactants combine to form only a single product. Two or more than two reactants combine to form only a single product, then reaction is known as combination reaction. Suppose you have reactant A and reactant B. These combine to form only a single product C. Here you see reactants are two, A and B, but product is only one. So when two or more than two reactants combine to form only a single product, then reaction is known as combination reaction. Reactants may be two or more than two. Reactants may be two or more than two, but product will be only one. आइए हम combination reaction के कुछ example देखते हैं. This is magnesium metal, 2Mg plus O2 equal to 2MgO. मैग्नीशियम एक रिएक्टेंट है, मैग्नीशियम मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन होकर बना रहा है 2MgO, एक सिंगल प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है. ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन आपको प्रैक्टिकल में भी करना है. तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो ये ऑक्सीजन से कंबाइन होकर बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट वन, रिएक्टेंट टू, प्रोडक्ट ओनली वन. कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं थिक लाइम, और ये आप वाटर से रिएक्शन करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं सिलेक्ट लाइम. तो पूछा जाता है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ थिक लाइम. COaO इज नोन एज क्विक लाइम एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज सिलेक्ट लाइम. एग्जाम्पल नंबर 3, कार्बन प्लस O2 इक्वल टू CO2. एग्जाम्पल नंबर 4, 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O. हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर वाटर का फॉर्मेशन करता है. अभी तक यहाँ पर जितने रिएक्शन आपने देखा 1, 2, 3, 4, सब में केवल दो ही रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं. हमने आपको डिफिनेशन में लिखाया है व्हेन टू आर मोर देन टू. दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं. तो ऐसी भी रिएक्शन है जिसमें दो से ज्यादा रिएक्टेंट भी भाग लेते हैं और दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं. ऐसी रिएक्शन एक है, देखिए Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O इक्वल टू NaHCO3. जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग पाउडर बनाते हैं तब ये रिएक्शन होती है. इसमें सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तीनों मिक्स होकर के देखिए एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं. तो ये भी है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. यहाँ पर रिएक्टेंट कितने हैं? रिएक्टेंट है 3 और प्रोडक्ट है 1. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की खासियत है कि उसमें रिएक्टेंट तो दो या दो से अधिक हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट हमेशा सिंगल ही बनेगा. तो ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट दो या दो से अधिक हो लेकिन प्रोडक्ट केवल एक हो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ये देखिए हमारे पास है मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम मेटल. चूँकि मेटल माइलिएबल होता है इसलिए उसको पीट कर चादर के फॉर्म में बदला जा सकता है. तो मैग्नीशियम मेटल की चादर है जिसको रोल में बदल दिया गया है, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम रिबन. अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ. तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे. जब जलाएंगे तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये हमारा मैग्नीशियम रिबन है, ये हमारा टंग है जिससे हमने इसको पकड़ा है. अब हम इसको जलाएंगे. जब हम इसको हीट करेंगे तो ये जब मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम जब जलना शुरू करता है तो चकचकाती हुई लाइट निकलती है, देखिए ये चकचकाती हुई लाइट आपके सामने निकल रही होगी, इसको हम बोलते हैं डाइजलिंग व्हाइट फ्लेम, डाइजलिंग व्हाइट फ्लेम। तो मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ क्रिएटिंग डाइजलिंग व्हाइट फ्लेम। मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो वो डाइजलिंग चकचकाती हुई सफ़ेद कलर की लाइट के साथ जलता है, इसे हम बोलते हैं डाइजलिंग व्हाइट फ्लेम। और जलने के बाद जो राख जलने के बाद मैग्नीशियम बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर के पाउडर के रूप में होता है। ये देखिए हम इस पाउडर को इकट्ठा कर लेंगे, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखिए हमने इसमें इकट्ठा कर लिया वाइट पाउडर के रूप में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर का पाउडर के फॉर्म में होता है। और पूछा जाता है व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर पता करने के लिए हम इसको पानी में डालेंगे। ये हमारे पास देखिए बीकर में पानी है, इसमें हम इसको घोल लेंगे, इसको घोलने के बाद मिला लेंगे, और उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। इसको पूरा घोलने के बाद हम इसका टेस्ट करेंगे कि इसका नेचर बेसिक है कि बेसिक। जब ये पूरी तरह घुल जाएगा तो हम पहले इसमें डालेंगे रेड लिटमस। ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास रेड लिटमस है, ये हमारे पास रेड लिटमस पेपर है, ये हमारा लिटमस का बंच है, इसमें से हमने रेड लिटमस पेपर लिया, रेड लिटमस पेपर, और इस रेड लिटमस पेपर को हम इसमें डिप करेंगे। तो देखते हैं क्या होगा। इस रेड लिटमस को हमने इसमें डिप किया तो देखिए रेड लिटमस का कलर हो गया ब्लू। इसका मतलब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर जो है वो होता है बेसिक, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने जैसे पानी में घोला तो बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो चूँकि हाइड्रोक्साइड बेस है इसीलिए इसने रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। तो पूछा जाता है व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक, क्योंकि इसने रेड लिटमस को ब्लू कर दिया।